घर घर का श्रृंगार प्रेम सनातन। जहां देवाधिदेव महादेव आए, जहां त्रेता में भगवान श्री राम आए और जहां द्वापर में द्वारिकाधीश अपने गुरु गर्ग ऋषि से मिलने आए, हजारों हजार ऋषियों की तपस्थली जहां आज भी कंदराओं में कर रहे हैं ऋषि तपस्या। तपोधाम पावन भूमि नैमिष सारण, जहां त्रेता में भगवान श्री राम आए, भगवान श्री राम से जुड़े प्रतीकों में यज्ञ वाराकूप आज भी विद्यमान है, अहिल्या तीर्थ, अरुंधति कूप, द्वारिकाधीश तीर्थ, ऋषि कूप और देवाधिदेव महादेव का विलक्षण स्थान। आखिर क्या कारण है कि त्रेता में भगवान श्री राम के आने के बाद द्वापर में भगवान श्री कृष्ण भी द्वारिकाधीश के रूप में चार अक्षणी सेना लेकर इसी वन में आए थे? गर्ग ऋषि का आश्रम चतुर्भुज मंदिर के साथ देवाधिदेव महादेव के चारों तरफ दुनिया का सबसे बड़ा शमशान घाट, जिसका दक्षिण दिशा बंद है, शवदाह उत्तर में ही होते हैं। आखिर क्या कारण है कि महादेव भगवान श्री राम और भगवान श्री कृष्ण इस करांडव वन में आए? देखिए बेहद सनसनीखेज एक रिपोर्ट। एक ऐसा स्थान, इस स्थान पे सबसे ज्यादा विलक्षण और चर्चित है यहाँ का शमशान घाट। कहते हैं कि सैकड़ों एकड़ में फैले इस शमशान घाट में दक्षिण दिशा बंद होने के कारण यहाँ मृत व्यक्ति के संस्कार से उसे सीधे मोक्ष प्राप्त होती है। स्थानीय लोग तो ये भी दावा करते हैं कि यह द्वारिका का ही शमशान घाट है, जो यहाँ द्वारिकाधीश की कृपा से स्वयं आया है। किंतु इस शमशान को लेकर न सिर्फ तमाम कथाएं प्रचलित हैं, बल्कि इससे विशाल क्षेत्र में फैले होने के कारण रहस्य जरूर बना हुआ है कि आखिर एक छोटे से गांव में 50 एकड़ में फैले हुए इस शमशान घाट का रहस्य क्या है, क्योंकि आसपास के सैकड़ों गांव के लोग आज भी इसी शमशान घाट में इस विश्वास से अंतिम संस्कार करने आते हैं कि मृत व्यक्ति को यहां सीधे मोक्ष मिलेगी। भगवान कृष्ण से मिलने की जरूरत हुई होगी तो आप या तो ब्रज क्षेत्र गए होंगे, बरसाना, गोकुल, वृंदावन, मथुरा, या फिर गए होंगे गुजरात में द्वारिकाधीश मंदिर। कृष्ण की कथा को ब्रज से लेकर द्वारिका तक ही सीमित किया गया, लेकिन आज मैं आपको लेकर आया हूं द्वारिकाधीश के मंदिर पर। ये वो द्वारिकाधीश नहीं है जो गुजरात में है, बल्कि ये द्वारिकाधीश नैमिष सारण की धरती पर है। करांडव वन के नाम से विख्यात नैमिष सारण के इसी स्थान पर भगवान श्री राम ने अश्वमेध यज्ञ किया था। यहां पर अरुंधति कूप विद्यमान है, जिसे ऋषि वशिष्ठ की पत्नी अरुंधति ने अपनी छोटी उंगली को भूमि में गड़ाकर जल प्रकट किया था। साथ ही अहिल्या तीर्थ भी आज विद्यमान है। ये वो मंदिर है जहां यज्ञ से पूर्व भगवान श्री राम ने देवाधिदेव महादेव की पूजा कर शिवलिंग की स्थापना की थी, और इसी के पास है वह यज्ञ वराह कूप, जिसे श्री राम का यज्ञ कुंड कहा जाता है। यज्ञ वराह कूप का पौराणिक महत्व है और इस वाल्मीकि रामायण में भी इसका उल्लेख आया है।
स्कंद पुराण के प्रथम अध्याय के श्लोक संख्या 103 में इसका वर्णन मिलता है। वाल्मीकि रामायण के अनुसार यहीं पर अश्वमेध यज्ञ हुआ था और आज भी इस कूप से जले हुए जौ और तिल निकलते हैं। स्कंद पुराण में इसका उल्लेख होना मामूली बात नहीं है। वो पौराणिक आख्यानों में इसका नाम कारंडो वन के नाम से मिलता है। एक तरफ जहां भगवान श्री राम के जुड़े स्मृति चिन्ह आज भी यहां विद्यमान हैं, वहीं दूसरी तरफ द्वापर में भगवान श्री कृष्ण भी यहां आए थे और द्वापर में भगवान श्री कृष्ण यहां द्वारिकाधीश के रूप में आए थे। क्यों आए थे सुनिए, बेहद रोचक कथा। भगवान श्री कृष्ण कंस का वध करने के बाद द्वारिका चले गए थे। द्वारिका में उन्होंने बाकायदा द्वारिकापुरी की स्थापना की और पूरा अपना साम्राज्य बनाया। द्वारिका जाने का कारण था कि उन्हें मालूम था कि महाभारत का युद्ध होना है और वो युद्ध सबसे बड़ा विश्व युद्ध होगा। लेकिन कहते हैं कि भगवान कृष्ण तो चले गए, लेकिन उनके गुरु गर्ग मुनि इसी नैमी सारण में तपस्या कर रहे थे और एक बार भगवान श्री कृष्ण द्वारिकाधीश के रूप में द्वारिका से 4 अक्षणी सेना लेकर के इसी नैमिषारण्य में इसी स्थान पर अपने गुरु गर्ग ऋषि से मिलने के लिए आए थे। यही वो स्थान है जहां पर भगवान श्री कृष्ण ने अपनी सेना सहित पड़ाव डाला था, यही रुके थे। यही पास में गर्ग ऋषि का आश्रम है और कहते हैं महर्षि गर्ग ने तब भगवान श्री कृष्ण से कहा था कि हे प्रभु, आप कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन को अपना विराट रूप तो दिखाएंगे ही दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूं कि आप मुझे अपने चतुर्भुज स्वरूप का दर्शन कराएं। और यही वो पावन धरा, यही वो पावन धरती है जहां भगवान श्री कृष्ण ने अपने गुरु गर्ग मुनि को चतुर्भुज स्वरूप में दर्शन दिया था। ये स्थान जो आप देख रहे हैं ये द्वारिकाधीश मंदिर है। यहां पर कृष्ण जी जब द्वारिका से चले थे, निकले थे, तो अपने गुरु गर्ग ऋषि से मिलने के लिए आए थे। यहीं पर उन्होंने अपनी अक्षणी सेना, 4 अक्षणी सेना लेकर वो यहां पर आए थे। और यहीं पर क्योंकि उनको द्वारिकाधीश मंदिर इसलिए कहा गया क्योंकि द्वारिकाधीश थे, वो राजा के रूप में यहां पर आए थे और आगे गर्ग ऋषि को मिलने जाना था, तो उन्होंने अपनी सेना को यहीं पर विश्राम कराया, यहीं पर रुके और यहां से पैदल वो तय करके गर्ग ऋषि के दर्शन करने गए। इस स्थान का महत्व इसलिए और बढ़ जाता है क्योंकि यहीं पर गर्ग ऋषि के आग्रह से या उनके कहने से उन्होंने अपना चतुर्भुज दर्शन उनको दिया था। इस वजह से इस स्थान का महत्व बहुत ज्यादा है। हम लोगों ने जो पाया, जो देखा, हम लोग यहाँ पर पीढ़ी दर पीढ़ी यही द्वारिकाधीश की सेवा करते चले आ रहे हैं इसी कोरावन में। ये स्थान जो है कोरावन कहलाता है, नैमिषारण्य का पुष्य क्षेत्र है, यहाँ पे ये कोरावन बोला जाता है इसको। और इस द्वारिकाधीश मंदिर में हम लोगों की पीढ़ियां दर पीढ़ियां सेवा करती चली आ रही हैं और हम लोगों का परिवार पे इन द्वारिकाधीश का विशेष आशीर्वाद रहा है। जो हम लोगों के यहाँ, जैसे कि आप देखेंगे तो यहाँ पे हम लोगों के यहाँ पढ़ाई लिखाई का भी रहा है, व्यापार का भी रहा है, हर तरह के लोग रहे हैं और अच्छे मुकाम उन्होंने हासिल किए हैं। हमारे यहाँ जज भी रहे, हमारे यहाँ DGP भी रहे, हमारे यहाँ आज भी बहुत सारे लोग जो पढ़े लिखे और बहुत ही होशियार लोग हैं यहाँ पर हैं। तो इन द्वारिकाधीश मंदिर का ये विशेष है, यहाँ पर हम लोगों ने हमेशा सेवा की है और उनका आशीर्वाद विशेष हम लोगों को प्राप्त है। मृत्यु अकाट्य सत्य है, मृत्यु के बाद जीवन है, जीवन और मृत्यु के बीच की जो स्थिति है वही सबसे अद्भुत और सबसे विलक्षण है। और हम जहां खड़े हैं शायद ये पृथ्वी का सबसे बड़ा शमशान घाट है। कहते हैं जो शमशान घाट सबसे बड़ा द्वारिकाधीश में था वही कृष्ण के साथ चलकर यहां आया। कई एकड़ में फैले इस शमशान घाट में दाह संस्कार पैर उत्तर की तरफ करके किए जाते हैं और यहां जिसका संस्कार होता है उसे सीधे
मोक्ष प्राप्त होती है। और द्वारिका का शमशान घाट विश्व का सबसे बड़ा शमशान घाट कहा गया है, लेकिन ये कोरोना का शमशान घाट अपने में विलक्षण है। यहाँ पर पैर उत्तर में होते हैं और यह शमशान घाट में अंतिम संस्कार करने वाले व्यक्ति का सीधे मोक्ष प्राप्त का भी विधान पुराणों में है। भगवान चूंकि स्वयं आए थे और यहाँ पर उनका पदचिन्ह पड़े, इसलिए मोक्ष प्राप्त कोई बहुत बड़ा लक्ष्य नहीं रह गया है साधकों के लिए। यहाँ का शमशान घाट शमशान स्थल एक बहुत बड़े भूभाग में स्थित है और यह स्थान नैमिष का बहुत ही विचित्र स्थान, बहुत विश्वसनीय स्थान है और ये द्वापर युग का स्थान है। यहाँ द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण अपने गुरु गर्ग ऋषि से मिलने आए थे। यह स्थान भोले बाबा का स्थान है। यहाँ का जो श्मशान है ये भारत का एक विचित्र स्थान है। यहाँ पे सबके पैर उत्तर को किए जाते हैं। जो किदवंती या संतों से या अपने ग्रंथों से जो जानकारी मिली है, द्वारिका का श्मशान जो है, द्वारिका डूबने के बाद वहाँ का श्मशान जो है वो चला गया, वो स्थान परिवर्तित होकर यहाँ कोरोना आया, तब से यहाँ पर जो है शवदाह उत्तर को पैर करके किए जाते हैं। दक्षिण का द्वार जो है यहाँ बंद माना गया है, इसलिए उत्तर को पैर करके आदमी को सीधे मोक्ष प्राप्ति होती है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि आपको हमारे वीडियो जल्दी से जल्दी प्राप्त हो सके। आपके लाइक शेयर और कमेंट हमारा उत्साहवर्धन करते हैं।